इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। शारदा का? वो तो मंदिर गई है। आज ना कोई त्यौहार है ना कोई खास बात। मैंने जब कहा मैं भी चल रही हूँ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं सिर्फ उसके खुशियाँ चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी मेरे बेटे राहुल के साथ हो जाए। जब भी मैं उस औरत को देखता हूँ तो उसमें मुझे अपने मरे हुए बेटे की परछाई दिखाई देती है। हैरानी की बात है ना मानस, राकेश के पिता जो खुद एक एसडीएम है, लेकिन राकेश की मौत के बाद उन्होंने इस बात को वहीं पर खत्म हो जाने दिया। और इधर रितिका जो उसकी विधवा है, आज भी इन कोशिशों में लगी है कि राकेश को बेगुनाह साबित करके उसके माथे पर लगे कलंक को धो सके। क्योंकि रितिका आज भी राकेश को बहुत याद करती है डैड, राकेश की यादें उसके दिल में बसी हुई है। जब कोई अपना नहीं रह जाता है तो बस उसकी यादें ही उसका सहारा बन जाती जी। तुम कुछ परेशान हो इस बात को लेकर? मैं डैड, मैं क्यों परेशान होगा यार। ये तो रितिका की अच्छाई है, उसकी वफादारी है, उसके जज्बात हैं। इसीलिए उससे वादा किया है मैंने डैड, रितिका से मैंने वादा किया है कि जिंदगी के हर कदम पर मैं उसका साथ दूंगा। शाबाश, दैट्स लाइक माय सन। लेकिन डैड, रितिका अब ये चाहती है कि राकेश की जो जजमेंट की फाइल है वो निकलवाई जाए। हाँ, सच्चाई तक पहुंचने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा मानस, है ना, क्योंकि वहीं से आगे बढ़ने के रास्ते निकल सकते हैं। राइट डैड, लेकिन ये काम हमें करना होगा डैड। हम लोग मीडिया के हैं, अगर हम वो फाइल निकालेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन अगर यही काम रितिका करेगी तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। जजमेंट चाहिए ना? जी, मैं निकलवा दूंगा। रितिका को कहना कि बहुत जल्द जजमेंट की फाइल उसके हाथ में होगी। थैंक्स डैड, थैंक यू वेरी मच। बेटा भाई, जब से उसने ज्वाइन किया उसके पास वक्त ही नहीं, और तुमने भी नहीं कहा होगा। अरे भाई, कभी उसे घर पर बुलाओ खाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे पापा, उसे भी तो इस घर से लगाव होना चाहिए, मुझसे लगाव होना चाहिए। वैसे मुझसे लगाव होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं हुई इतनी स्वीट, है ना? हाँ, तुमने भी सही कहा। क्या बात है शरद, जब से मंदिर से लौटी हो कुछ खोई खोई सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ ऐसी बात सामने आई है कि दरअसल मैं मंदिर किसी से मिलने गई थी। किसे मिलने गई थी? वो राकेश की मम्मी नीलिमा से। राकेश की मम्मी नीलिमा, क्या चाहती हो? बात यह है कि उन्हें पता तो चल ही गया है कि हम रितिका की दूसरी शादी करना चाहते हैं, और वो
रितिका को बहुत मानती है, तो शादी की बात सुनकर उनसे रहा नहीं गया, इसलिए मिलने बुला लिया। शारदा, अब इन जज्बातों का कोई मतलब नहीं है। कहां थे उसके वो जज्बात जब उसका पति मेरी बेटी को मेरे घर पर फेंक कर चला गया था? राजेश्वर की नफरत ने मेरी बेटी को सिर्फ आंसू दिए हैं और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूल तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन यकीन मानिए, वो सब राजेश्वर जी ने किया था, उसमें नीलिमा का कोई कसूर नहीं था। रितिका भी यही कह रही थी कि नीलिमा को कुछ पता नहीं था। शारदा, इन बातों का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, देर हो चुकी। खैर, अब क्या चाहती है वो? क्या चाहती है नीलिमा? दरअसल वो चाहती है कि हम उनके छोटे बेटे राहुल के साथ रितिका की शादी करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस घर से मेरी बेटी को बेइज्जत करके निकाला गया है, मैं दोबारा उस घर में अपनी बेटी के कदम नहीं पड़ने दूंगा। रितिका की शादी वहीं होगी जहां मैं तय करूंगा। रही बात राजेश्वर की, उसे तो मैं ख्वाब जिस तरीके से आंखों में आते हैं, उसी तरीके से उजड़ भी जाते हैं। जिस दिन दीदी की शादी हुई थी, मैं राहुल से पहली बार मिली थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाएंगे और मैं राहुल से कभी नहीं मिल पाऊंगी। दीदी का रिश्ता टूट गया और मैं राहुल से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। है ना दीदी? क्या कर रही हो दिव्या? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही सोच रही थी कि आखिर आपको शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा। और जिस दिन आपकी शादी होगी, उस दिन मैं खूब नाचूंगी। हाँ, और सबसे ज्यादा शरारत तो तुम ही करती हो। तुम्हें याद है मेरी शादी में राकेश और राहुल को कितना सताया था तुमने, है ना? साली साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे मेरे जूते वापस कर दीजिए। जूते तो वापस हो जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। नहीं भैया, कोई शर्त नहीं मानेंगे। जूतों की नेगी में पैसे दिए जाते हैं, आप अपनी कीमत बताइए। हमारी कीमत? अरे मेरा मतलब, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। जूते दे दो। पैसे लेकर जूते वापस देने की परंपरा बड़ी पुरानी है, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, उसे आप लोग पूरा कर दीजिए, हम जूते वापस दे देंगे। ठीक है, शर्त बताइए। शर्त ये है कि आप हम लोगों के सामने ठुमके लगाएंगे और हम सब आपके ऊपर पैसे लुटाएंगे। देखा भैया, भाभी तो आपको शादी के बाद नचाएंगे। हाँ। ये तो मुझे अभी नचाना चाहती है। अब ठीक है, शर्त मंजूर है, लेकिन लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो ये है कि आप मेरे साथ ठुमके लगाएंगे। ए मिस्टर, एक्सक्यूज मी, मैं आपका मिस्टर नहीं हूँ। मेरे भाई आपकी दीदी के मिस्टर बन चुके हैं, तो मैं इनका छोटा भाई हुआ, तो उसके नाते आप मुझे जीजा जी बुला सकती हैं। ओह, ये मुंह और मसूर की दाल। वाह, अपने आप को
मसूर की दाल समझती है। खूब पकेंगे यहाँ जब मिल बैठेंगे मैं आप और तीसरा कोई नहीं। मेरा मतलब ये था कि मैं और आपको जीजू कहूँ, हरगिज नहीं। वो तो कहना पड़ेगा। अच्छा जी, तो कहलवा के दिखलाइए। अरे नहीं कहती है तो रहने दे, छोड़ना यार। हाँ सही है, हा? इनकी मर्जी इनकी खुशी, हा? जिसको चाहे जीजा जी बुलाए। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, एक दिन अगर मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए जीजा जी नहीं बुलवाया तो मेरा नाम राहुल नहीं। तुम मुझे अपने लिए जीजू कहलवाना चाहते हो जबकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई और ही जगह है। दिव्या? हाँ दीदी। दीदी आपको ऐसा नहीं लगता कि शादी के लिए हाँ करने के बाद भी आप उस घर को भुला नहीं पाई हो? हाँ दिव्या, मैं ये दूसरी शादी मम्मी पापा की ख्वाहिश के लिए कर रही हूँ। वरना मैं जिस घर की बहू रह चुकी हूं उसे भुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। उसे भुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है दिव्या, उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बेइंतहा प्यार दिया है मुझे, और मां वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और अब उन्हें लगता है कि राकेश तो उनको छोड़कर चले गए, मैं भी उनको बेसहारा कर रही हूं। क्या यही एक बहू का फर्ज होता है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए दीदी। कल तक वो आपको बहुत मानती थी क्योंकि आप उनके एक बहुत करीब थी, लेकिन जब दूरियां बढ़ती है ना दी, तो रिश्ते खुद ब खुद कमजोर होके टूट जाते हैं। नहीं दिव्या, दूरियां रिश्तों को और मजबूत बना देती है। दूर रहने से प्यार कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता है। अफसोस ये बात मैं सबको नहीं समझा सकती। दीदी मैं बस इतना कहूंगी कि आप उस घर को भूल जाइए। मुश्किल है दिव्या, मेरे लिए ये बहुत बहुत मुश्किल है। ये डैड आए नहीं अभी तक,
वो तो कह रहे थे कि जजमेंट की कॉपी निकाल के बस आ ही रहे हैं। शायद देर हो गई होगी। लेकिन मानस, तुमने ये बात उनसे क्यों कही? वेल, मुझे बचपन से ही समझाया गया है कि जो बात गलत नहीं है उसे छुपाने का क्या फायदा। यू नो, जैसे कि अगर तुम किसी से कोई बात छुपा रही हो तो ये तय है कि वो बात गलत होगी। ये अच्छी बात है। कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है ये जानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए मैं अपने डैड से कुछ नहीं छुपाता और उनका मानना है कि राकेश की सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच मानस। वेलकम। अच्छा बताओ, तुम यहाँ से घर जा रही हो या ऑफिस जा रही हो? फिलहाल तो ऑफिस जाऊंगी, बहुत सारा पेंडिंग काम बचा है, तो हाँ उसे क्लियर करना जरूरी है। Okay. लेकिन क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं नहीं, डैड ये कह रहे थे कि जब से तुम कलेक्टर बनी हो तुमने घर पे आना जाना ही कम कर दिया है। क्या करूँ मानस, सबसे पहले मैं अपने काम पे ध्यान देना चाहती हूँ ना। लेकिन मेरी तरफ से तुम डैड को सॉरी बोल देना प्लीज। वेल सॉरी मैं क्यों कहूँ, तुम आज शाम ऑफिस के बाद घर आओ, सबके साथ खाना खाओ और डैड से सॉरी भी कह दो। ओके मानस, मैं जरूर आऊंगी खाने पे, लेकिन आज नहीं, बहुत सारा काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो जजमेंट की कॉपी आते ही मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूंगा। जी, मैं अभी निकलती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर इन बातों का क्या मतलब है? अरे क्यों मेरी बेटी की जिंदगी में उलझने खड़ी कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ तो ठोकर मारते हैं और फिर झोली फैलाते हैं। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाई। ये झोली फैलाना नहीं है तो और क्या है? मैं इसे आप लोगों की आदत समझूं, फितरत समझूं, या फिर ये इस घर की परंपरा है? जबान को लगाम दीजिए। हमारी चौखट पर आकर आप हमसे ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। एक बार नहीं, 100 बार ऐसी बातें करूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियों का सवाल है। एक बार पहले भी आए थे आप लोग भीख मांगने, मेरी बेटी का रिश्ता मांगने, और फिर ठोकर मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया। और अब आपकी पत्नी दोबारा आई है यही रिश्ता लेकर। अब आपकी पत्नी दोबारा आई है यही रिश्ता लेकर। अरे कितने बदनसीब हैं आप लोग कि एक ही लड़की का रिश्ता दो दो बार मांगने की जरूरत पड़ रही है। मैं जानता हूं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मेरी बेटी की काबिलियत ने आपको अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर गलत कह रहे हैं आप। हमने आज तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन हो तो वही रहा है ना। अरे क्यों दोबारा रिश्तों की बात चलाई जा रही है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर चुका हूं। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते थे तो अब तक आपने डिवोर्स पेपर्स पर दस्तखत क्यों नहीं किए, बताइए? क्या सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं आप लोग? अब इन बातों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ऋतिका की शादी वहीं होगी जहां मैं तय करूंगा। रुक जाइए जज साहब। आपने अपनी बात तो कह दी, हमारी बात भी सुनते जाइए। मैं जानती हूं कि आप जज हैं, लेकिन कानून हमने भी पढ़ा है।
आप रिश्तों में भीख की बात कह रहे थे ना? मैं रिश्तों में अधिकार की बात करती हूँ। उम्मीद है कि जज होकर आप भीख और अधिकार का फर्क तो समझते होंगे ना? मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सा कानून है जिसने आपको अधिकार दिया रितिका की शादी करने का? वो आपकी बेटी है, ठीक है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है, क्योंकि वो मेरे बेटे के नाम का मंगलसूत्र डालकर मेरे घर में आई है। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल आपके घर रह लेने से आपका उस पर अधिकार नहीं हो जाता? आप रितिका की शादी दोबारा कराना चाहते हैं ना? ठीक है, करवाइए। हम भी देखते हैं, अगर हम में जरा सा भी दम है ना, तो हम देखते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी दोबारा कैसे करवाते हैं। अब आपकी समझ में आया भीख और अधिकार का फर्क? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। बस कीजिए। क्या बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। मेरी बात सुनिए, यही सही वक्त है अपने अपने अहंकार के गिरेबान में झांक कर देखने का। सच कहती हूं मैं, आप दोनों के अहंकार की बलि वेदी पर मैं अपने घर की खुशियां नहीं चढ़ने दूंगी। आपके जो मन में आए कीजिएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद, अभी नहीं। कच्चे धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का।